खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां पर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण को हटाने का मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन उग्र हो चुका है और इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी तैयारियां तेज कर दी। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के आदेश पर लोग आग बबूला हो चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर 23 साल से रह रहे हजारों परिवारों पर संकट मंडरा रहा है। फैसले के विरोध में अब हजारों महिलाएं भी उतर गई हैं, जिन्होंने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस बीच उत्तराखंड पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। पैरामिलिट्री की 14 कंपनी और रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनी बुलाई गई है। वहीं कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 जनवरी 2023 को सुनवाई करने को कहा है।